चिंतन पे चिंतन पे सब आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन चाहे 50 आदमी भेजे चाहे 100 आदमी भेजे, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हमारा बच्चा तो जा चुका है और हम लोग उसी दिन मर चुके हैं। हम बंदे को मरने को तैयार है, लेकिन ये आंदोलन ये धरना प्रदर्शन हम जब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे बच्चों का इंसाफ नहीं मिलेगा। जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर हेलो हेलो ये देखें केजरीवाल का मॉडल स्कूल, इनका मॉडल स्कूल हर जगह ये ढिंढोरा पीटते हैं, ये हमारा मॉडल स्कूल मॉडल स्कूल मॉडल स्कूल, तो इनका ये मॉडल स्कूल है बच्चों की सेफ्टी पे। गेट के बाहर बाहर के साइड एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ है, ना यहाँ लगा है, ना 50 मीटर के दूरी पे 100 मीटर के दूरी पे स्कूल के बाहर कहीं भी कैमरा नहीं है। ये देखिए बच्चा भाई कहाँ है ये कैमरा, सारे लोग एक भी कैमरा नहीं है। जो जो प्रशासन आज इस चीज को प्रोटेक्शन दे रहा है, सुबह शाम पुलिस आते हैं स्कूल घुरवाते हैं, यही प्रोटेक्शन जब हमारे बच्चों को दिया जाता ना तो ये हादसा नहीं होता। आज जो चीज हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, हमारी मांग यही है चिंतन को न्याय मिले, स्कूल की जो भी व्यवस्था है वो सारा सुधारा जाए, हमेशा इसकी सिस्टम जो भी है यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल हो जो भैया मेरे बच्चे की लड़ाई में मेरे दोनों साथ थे भैया, ये गेट पे ठीक है, ऐसा कोई काम मत करो जो ये लोग हमसे चाहते हैं, ठीक है, हमें अपने बच्चे की लड़ाई लड़नी है, हमें इंसाफ चाहिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना इंसाफ लेंगे, ठीक है भैया। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे बच्चे का साथ जो हुआ उसको देखकर कई माताओं बहनों ने इस न्याय की लड़ाई में अपना सहयोग बनाते हुए वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं जब तक ये प्रशासन अपनी कार्रवाई सुनिश्चित ना कर ले कि आने वाले टाइम में किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। और हम स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाएंगे, ये चीजें हमें जब तक लिखित में नहीं मिल जाएंगी जब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को ना भेजें। एक लोग माँ बाप क्या चाहता है कि भैया चाहे मेरे को 10,000 मिल रहे हो चाहे 12,000 मिल रहे हो, भैया मैं अपने माँ बच्चों के साथ आराम से तो चैन की रोटी तो खा लूंगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ तो लेगा, लेकिन एक बाप 10-15 हजार रुपए की नौकरी में अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में तो नहीं पढ़ा नहीं सकता, सरकारी स्कूल में कुछ विश्वास करके ही तो भेजता है, है? यहाँ पे आके अगर आपके बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है, स्कूल प्रशासन। तो जब तक स्कूल प्रशासन कोई बात सुनिश्चित नहीं करेगा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ और आगे आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, इस चीज को लेकर अगर कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे, यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। अरे हर साल सब दिन का यही का यही सब दिन का यही कहानी है, कब भागे वो प्रिंसिपल, कब भागा कल की बात है, ये देखो बैठ गया है पब्लिक लोग जाकर ना उसे खींच देता ना, तो बात वही बात है क्लास टीचर सरकार तरफ से इसका पैसा तो आता है, दिक्कत क्या है इसका, दिक्कत कैसे नहीं होगा भाई, दिक्कत कैसे नहीं होगा उस बच्चों के लिए आने जाने के लिए, अभी पुलिस आ रहा है, यही अगर पहले से होता तो आज ये मोहब्बत नहीं रखना पड़ता, कार्रवाई
और यहाँ हुई है ना शांति क्यों बनाए रखे 3 महीने बाद हुआ है ना वोट है वोट लेने वास्ते सरकार हमें दो अरे कार्रवाई करने वास्ते मर गया है स्कूल किसका केजरीवाल का है हॉस्पिटल किसका केजरीवाल के है सब मिला हुआ है बात जब रिपोर्ट बदल दिया तो ये बदलने में लेट लगेगा इन लोगों भाई मैं कह रहा लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो बच्चे क्या हो गए साल भर से खराब हो गया इस साल और सही पसंद किया होगा तो शायद आज हमारा जनता हमारे बीच होता जस्टिस को आप सबको एक साथ आवाज उठानी है बच्चे को न्याय दिलाना है तो सबको आवाज उठानी है जस्टिस को जस्टिस को जस्टिस को जस्टिस को जस्टिस को जस्टिस को किंतन को किंतन को किंतन को किंतन को 11 तारीख को बच्चा स्कूल में आता 11 तारीख को स्कूल जाने के बाद बच्चा कभी ठीक ही नहीं हो पाया 11 तारीख के बाद बच्चा अपने घर आया अपने घर पे रो रो के बताया कि मुझे स्कूल में मारा गया है 11 तारीख के बाद 20 तारीख तक उस बच्चे ने वो दर्द वो पीड़ा महसूस की उसके माँ बाप ने वो दर्द वो पीड़ा महसूस की जो शायद हर कोई नहीं महसूस कर सकता वो दर्द वो अपनी वो उन्होंने महसूस की थी उस बीच में 11 से 20 के बीच में 9 दिनों तक लगातार सब परिवार वाले स्कूल आते पूछते रहे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ लेकिन ये लोग उस दिन भी आंखों पर पट्टी और मुंह पे चुप